हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर के अंदर हमने कक्षा दसवीं विज्ञान पाठ दो अम्ल क्षारक एवं लवण में आपके साथ सूचक के बारे में चर्चा की। सूचक वे पदार्थ हैं जो हमें किसी पदार्थ के अम्लीय होने, अक्षारीय होने या उदासीन होने के बारे में सूचना प्रदान करते हैं। उनके बारे में हमने आपको पिछले लेक्चर के अंदर बताया। इस लेक्चर में हम आपको अम्ल और अक्षारकों के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में बताएंगे। रासायनिक गुणधर्मों का मतलब यह है कि अम्ल जो है धातु से किस प्रकार क्रिया करते हैं, अम्ल जो है धातु कार्बोनेट से किस प्रकार क्रिया करते हैं, अम्ल जो है धातु बाइकार्बोनेट से किस प्रकार क्रिया करते हैं, अम्ल और अक्षारक आपस में किस प्रकार क्रिया करते हैं, अम्ल और अक्षारक अगर हम जल में डाल दें तो किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं। तो इन सभी जो ये अभिक्रियाएं होंगी इनको हम रासायनिक गुणधर्म कह रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो है बात करते हैं अम्ल एवं अक्षारकों के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में, रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो गुणधर्म है वो क्या है प्यारे बच्चों। अम्ल अगर किसी धातु से क्रिया करते हैं, अम्ल अगर किसी धातु से क्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। क्या बनाते हैं साथ में? हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। याद रखना आपने, जब भी कोई अम्ल किसी धातु से क्रिया करे तो वह लवण के साथ साथ हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर मैग्नीशियम धातु से क्रिया करता है तो क्या बनाता है? मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस। ये तो बन गया लवण और ये बन गया हाइड्रोजन गैस। कोई भी अम्ल अगर धातु से क्रिया कर रहा है तो वह कौन सी गैस उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसको बैलेंस कर लीजिए, संतुलित कर लीजिए। क्लोरीन कितने हैं? दो। यहाँ एक है, इसके दो से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। हाइड्रोजन एक था, ये दो हो चुके हैं, यहाँ पर भी दो है, हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार जो अपने अक्षारक हैं, अक्षार भी जो है अगर धातु से क्रिया करेंगे तो ये भी जो है लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेंगे। क्या उत्पन्न करेंगे? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेंगे। जैसे हमारे पास अक्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड और धातु है जिंक। जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब क्रिया करती है तो क्या बनाती है? Na2ZnO, सोडियम जिंकेट Na2ZnO। क्या बनाती है? Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ये है सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट, ठीक है, ये तो लवण हो गया और ये क्या उत्पन्न कर रहा है? हाइड्रोजन गैस। प्यारे बच्चों, अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ अम्ल या अक्षार धातु से क्रिया करने के बाद हाइड्रोजन गैस ही उत्पन्न करते हैं, कोई दूसरी गैस भी तो हो सकती है। हमें कैसे पता लगेगा कि धातु से क्रिया करने के बाद ये हाइड्रोजन गैस ही उत्पन्न करते हैं? तो इसका एक प्रेक्षण है हमारे पास, वो करते हैं, बताते हैं आपको कि किस प्रकार जो है हाइड्रोजन गैस का पता लगाएंगे। प्यारे बच्चों, देखिए हमारे पास ये
फ्लास्क है, ठीक है, और इसमें मैंने ये डिलीवरी ट्यूब लगा रखी है और इसमें ये एक फनल लगा रखी है, ठीक है, और साथ में क्या लगा दिया है, कॉर्क, कॉर्क हमने इसमें लगा दिया, ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने जो है क्या डाल रखा है, एक धातु डाल दी है, जिंक, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े, जिंक धातु के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए, ठीक है। और अभी बताते हैं आपको, ये हमारे पास एक टब है जिसके अंदर हमने साबुन का घोल लिया है, साबुन का जलीय विलयन, साबुन का जलीय विलयन, ठीक है। अब ये हमारे पास जिंक धातु हो गई है, यहां पर हम ऊपर से जो है यहां से क्या डाल रहे हैं, अम्ल डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, अम्ल, कौन सा अम्ल डाल रहे हैं, सपोज करो आप H+O4, H+O4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ऊपर से हम डाल रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, जैसे जैसे ये H+O4 जिंक के साथ अभिक्रिया करेगा, वैसे वैसे यहां पर क्या बननी आरंभ हो जाएगी, ये वाली क्या बननी आरंभ हो जाएगी, एक गैस बननी आरंभ हो जाएगी, ठीक है, एक गैस बननी आरंभ हो जाएगी, और वो गैस इस डिलीवरी ट्यूब से होती हुई जब इस साबुन के जलीय विलयन में जाएगी तो यहां पर क्या उठेंगे, बुलबुले उठेंगे, क्या उठेंगे, बुलबुले, और इन बुलबुलों के अंदर कौन सी गैस होगी उसका पता लगाने के लिए कि हम ये प्रेक्षण कर रहे हैं। तो जैसे ही मैं इन बुलबुलों के पास जलती हुई मोमबत्ती लेके जाता हूं, तो ये जो बुलबुले हैं, जो गुब्बारे से बने हुए हैं, ये एक पॉप साउंड के साथ जो है पॉप की आवाज करते हुए ये जो बुलबुले हैं फटल जाते हैं, पट पट की आवाज यहां पर आएगी, इसको हम बोलते हैं पॉप साउंड, पॉप साउंड के साथ जो है ये बुलबुले जलेंगे। क्यों जलेंगे, क्योंकि इन बुलबुलों के अंदर कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। अगर पॉप साउंड उत्पन्न नहीं हो रहा है तो हम ये कहेंगे कि ये हाइड्रोजन गैस नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जलती ही कैसे है, पॉप साउंड के साथ जलती है, ठीक है। तो अगर आप जलती हुई मोमबत्ती इन बुलबुलों के पास ले जाते हैं तो ये बुलबुले कैसे फूटते हैं, पॉप साउंड के साथ फूटते हैं, क्योंकि इन बुलबुलों के अंदर कौन सी गैस थी, हाइड्रोजन गैस थी। तो देखिए यहां पर क्या अभिक्रिया हुई है, जिंक जो है उसने किसके साथ अभिक्रिया की, इस अम्ल के साथ, जिंक धातु है, धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया की, तो क्या बना, जिंक सल्फेट, जो जिंक सल्फेट है वो तो इसी में रह जाएगा, बन के सारा सारा जिंक सल्फेट को इसमें रह जाएगा, और जो गैस बनेगी वो इस डिलीवरी ट्यूब से होते हुए साबुन के जलीय विलयन में से होते हुए बुलबुले बनेंगे, उन बुलबुलों में कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस होगी। कैसे पता लगा हाइड्रोजन गैस होगी, क्योंकि ये जो बुलबुले हैं किस आवाज से फूटेंगे या जलेंगे, पॉप साउंड से जलेंगे, किससे जलेंगे, पॉप साउंड से जलेंगे। इसीलिए इस प्रेक्षण से हमें पता लगता है कि कोई भी अम्ल अगर धातु से क्रिया करता है या कोई अक्षार धातु से क्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है हमारे पास, कोई अगर हमारे पास अम्ल है वो धातु कार्बोनेट से किस प्रकार क्रिया करेगा, धातु कार्बोनेट से या धातु बाइकार्बोनेट से किस प्रकार जो है क्रिया करेगा। देखें क्या क्या बनाएगा, अम्ल धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट से अगर क्रिया करता है तो लवण बनाता है, जल बनाता है और एक गैस बनती है यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड,
कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये तीन पदार्थ जो यहां पर बनके तैयार हो जाते हैं। तो देखिए उदाहरण देखिए, जैसे मेरे पास ये HCl कोई हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मेरे पास है, मैं इसके अंदर धातु कार्बोनेट जैसे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट धातु कार्बोनेट डालता हूं तो क्या होता है, लवण बनता है, सोडियम Na2C यहां पर Cl- Na2C Cl- मिलकर के क्या बना रहे हैं, लवण बना रहे हैं, साथ में क्या बनेगा हाइड्रोजन, फिर क्या बनेगा जल, और साथ में क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, गैस क्या बनेगी गैस बनेगी। इसी प्रकार अगर इसको हम संतुलित करें तो सोडियम कितने हैं यहां पर, दो, यहां एक है उसको दो से गुणा करेंगे, जैसे दो से गुणा किया क्लोरीन कितने हो गए दो, तो यहां भी हम दो से गुणा कर देंगे, हाइड्रोजन कितने हैं दो, हाइड्रोजन दो है, ठीक है, बाकी ऑक्सीजन देखो एक और दो तीन, ऑक्सीजन यहां तीन है, कार्बन एक है, पूरी तरह से संतुलित रिएक्शन हो गई है, संतुलित अभिक्रिया हो गई है। इसी प्रकार अगर हम बात करें कोई अम्ल है और वो धातु बाइकार्बोनेट यानी जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट से अगर अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है हमारे पास, एक तो बनेगा लवण Na2CO3 Cl- NaCl लवण बन जाएगा, प्लस वाटर बनेगा और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होगा, तो तीन चीजें बनेंगी लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। अब मैं इसको संकलित कर लीजिए, सोडियम एक है, एक है क्लोरीन एक है, एक है हाइड्रोजन कितने हैं एक और एक दो, हाइड्रोजन कितने हैं दो, ऑक्सीजन कितने हैं दो और एक तीन, तीन है, कार्बन एक है, कार्बन एक है, संतुलित। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि ये जो गैस उत्पन्न हो रही है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है, इसको जांचने के लिए हम एक परीक्षण करते हैं कि ये वाक्य में ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। प्यारे बच्चों इसके लिए हम क्या करते हैं, एक परीक्षण करते हैं कि यहां जो गैस उत्पन्न हो रही है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है या कोई दूसरी गैस है। एक पर्सनली लेते हैं और पर्सनली के अंदर हमने क्या डाला, सोडियम कार्बोनेट डाल दिया, ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट डालने के बाद हमने क्या किया, एक कोर्क लगा दी, क्या लगा दी कोर्क, और कोर के अंदर हमने एक तो डाल दी है डिलीवरी ट्यूब और एक डाल दी हमने पीप, इस पीप की सहायता से तो हम इसमें क्या करेंगे, अम्ल डालेंगे, इसमें से हम क्या डाल रहे हैं अम्ल, ठीक है, इसमें हम चूना चूने का पानी जो है लेंगे, चूने का पानी, चूने का पानी का सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, इसमें चूना पानी है, ठीक है, ठीक है। तो पहले तो जब हम इसमें से इस कीप में से अम्ल डालेंगे, जैसे हमने डाल दिया HCl, क्या डाल दिया HCl, तो इन दोनों की अभिक्रिया भी मैंने लिखी थी Na2CO3 HCl से जब क्रिया करेगा, ये अम्ल जब धातु कार्बोनेट से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, लवण बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। इस कार्बन डाइऑक्साइड की जांच करनी है कि कार्बन डाइऑक्साइड ही है या नहीं है। कह रहे बच्चों जैसे ही यहां पर गैस बनकर के तैयार होती है, कौन सी गैस बनती है CO2, जैसे ये गैस बनती है इसकी पहचान क्या है, ये चूने के पानी को दूधिया कर देती है, कैसा कर देती है, ये जब ये गैस चूने के पानी के अंदर प्रवेश करती है तो धीरे धीरे चूने का पानी कैसा हो जाता है, दूधिये रंग का हो जाता है, यही पहचान है
इसे हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये जो गैस उत्पन्न यहाँ पर हो रही है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। जैसे जैसे ये गैस इस डिलीवरी ट्यूब में से होती हुई चूने के पानी के अंदर प्रवेश करती है तो ये चूने का पानी किस रंग का हो जाता है, दूधीय रंग का हो जाता है, दूधीय रंग। अगर ये दूधीय रंग हो गया है इससे हम यह पता लगा लेते हैं, हमको बिल्कुल कन्फर्म हो जाता है, यकीन हो जाता है कि यहाँ इस अभिक्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हो रही है। नेक्स्ट है हमारे पास, और ये दूध या जो रंग यहाँ पर आया है वो किसकी वजह से आया था बच्चों? यहाँ क्या था इस प्रणाली के अंदर, इसमें था हमारे पास चूने का पानी। चूने का पानी का मतलब, चूने का पानी मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्या पास करी हमने, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास की। तो ये जो दूध या रंग आया है ये किसकी वजह से है, कैल्शियम कार्बोनेट के बनने की वजह से आया है। किसकी वजह से है, कैल्शियम कार्बोनेट के बनने की वजह से ही जो है यहाँ पर चूने के पानी का रंग कैसा हो गया है, दूधिया हो गया। कैसा हो गया है, दूधिया हो गया है। ठीक है, ठीक है ना। आगे है हमारे पास अम्ल और अक्षार अगर आपस में परस्पर क्रिया करें तो क्या होगा। जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करें तो क्या होता है, ये लवण एवं जल बनाते हैं। जब हम इनको इक्वल अमाउंट में डालते हैं तो अम्ल अक्षार के प्रभाव को कम करता है और अक्षार जो है अम्ल के प्रभाव को कम करता है। ठीक है, और इस प्रकार अम्ल और अक्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं उदासीनीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो देखिए उदाहरण, अम्ल है हमारे पास HCl का जलीय विलयन और अक्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका जलीय विलयन। जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो हमारे पास एक लवण बन के तैयार होता है NaCl। देखो इस अक्षार का जलीय विलयन में ये आयन उत्पन्न करता है Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, और ये भी जलीय विलयन में आयन उत्पन्न करता है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। जब इन दोनों को मिलाते हैं तो इसका पॉजिटिव आयन नेगेटिव के साथ जाएगा और इसका पॉजिटिव आयन इसके नेगेटिव के साथ जाएगा। तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव NaCl, ठीक है, प्लस H पॉजिटिव OH नेगेटिव H2O। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहां पर क्या बनके तैयार हुआ, लवण और जल। ऐसी, और जो ये लवण है इसकी प्रकृति कैसी है, उदासीन है। इस लवण की प्रकृति कैसी है, उदासीन। उदासीन क्यों हुई, इस अम्ल ने इस अक्षार के प्रभाव को कम कर दिया है और इस अक्षार ने इस अम्ल के प्रभाव को कम कर दिया है, जिसकी वजह से हमारे पास जो लवण बना है वो किस प्रकृति का बना है, उदासीन। इसीलिए ये जो अभिक्रिया है उदासीनीकरण अभिक्रिया है, उदासीनी उदासीनीकरण अभिक्रिया। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये भी अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें अम्ल और अक्षार परस्पर क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इन्हें उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, जब अम्ल या अक्षार को जल में घोलते हैं तो क्या उत्पन्न करते हैं। अगर हम अम्ल को जल में घोलते हैं तो क्या होगा, आयन उत्पन्न होंगे, आयन उत्पन्न होंगे, उत्पन्न होंगे। कौन कौन से आयन उत्पन्न होंगे, देखिए मेरे पास ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये जल है। जब मैं इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल के अंदर डालता हूं तो हाइड्रोजन आयन और Cl नेगेटिव आयन जो है यहां पर उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार अगर आप H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में डालते हैं तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन आयन, टू एच पॉजिटिव आयन प्लस SO4 टू नेगेटिव आयन जो यहाँ पर उत्पन्न होते हैं। तीन आयन उत्पन्न होते हैं, यानी अम्ल जल में घुलने के बाद आयन उत्पन्न करता है।
अमल हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है और इसी प्रकार क्षार क्या करता है जल में घुलने पर क्या उत्पन्न करता है दोस्तों, क्षार जल में घुलने पर क्या करता है आयन उत्पन्न करता है और मेनली कौन सा आयन उत्पन्न करता है हाइड्रोक्साइड आयन। देखिए कोई अक्षर ले लीजिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जल और ये क्या उत्पन्न करेगा Na पॉजिटिव एक्वस प्लस OH नेगेटिव यानी हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करेगा। इसी प्रकार आप नेक्स्ट एग्जांपल ले लीजिए पोटासियम हाइड्रोक्साइड जल में जब घोलते हैं तो क्या बनता है K पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव आयन। यानी कहने का मतलब अमल जब जल में घोलते हैं अमल को तो आयन उत्पन्न होते हैं, क्या उत्पन्न करते हैं अमल एच पॉजिटिव आयन उत्पन्न करते हैं, प्रक्षार जल में घुलने पर क्या उत्पन्न करते हैं ओ एच नेगेटिव आयन उत्पन्न करते हैं। इनके जो जलीय विलयन होते हैं अमल के जो जलीय विलयन होते हैं ये विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। विद्युत के अच्छे चालक क्यों हैं, क्योंकि इनमें आयन की मौजूदगी है, आयन इनमें गतिशील होंगे यानी आयन गतिशील होंगे इसका मतलब चार्ज यानी आवेश गतिशील अवस्था में होगा, इसी वजह से जो इनका जलीय विलयन होता है ये विद्युत का अच्छा चालक चालन करते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही, अच्छी तरह से जो है आपने इसको समझना है और इस लेक्चर को अच्छी तरह से अपनी कॉपी में नोट करना है।